अब देखिए, हलोपा सुप्रीमो एवं सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने 100 दिन के अंदर सिरसा में 125 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने का लक्ष्य रखा, जिसके चलते सिरसा में तेज गति से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हलोपा सुप्रीमो एवं सिरसा विधायक गोपाल कांडा के अनुज वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने आदर्श कॉलोनी में नारियल तोड़कर सीवरेज और पेयजल लाइन डालने के कार्य का शुभारंभ किया। पाइपलाइन डालने का ये काम विधायक गोपाल कांडा की निजी कोष से कराया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा आदर्श कॉलोनी स्थित श्री अग्रवाल पीर और ज्वालाजी मंदिर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और शीश नवाया। साथ ही मंदिर प्रबंध कमेटी को 1 लाख रुपए की राशि भी भेंट की। ये सिरसा नगर के अंदर एक जेई कॉलोनी, एक बक्काबट कॉलोनी और एक आदर्श नगर, कुछ कॉलोनी ऐसी है जहां जनता 25-25 साल से रह रही है। कुछ सरकारी अड़चनों के कारण यहां अभी तक सीवर लाइन या वाटर लाइन नहीं पहुंच पाई और इस जनता को बड़ी दिक्कत थी। अभी पीछे ये भाई गोपाल कांडे जी से मिले, उनको संज्ञान में लेकर आए कि हम 25-25 साल से यहाँ रह रहे हैं, ना हमारे सीवर है ना वाटर है और ये दिक्कतें हैं हमें। तो इसके लिए तुरंत भाई गोपाल कांडा जी ने सीएम साहब को कहा और उनसे रिक्वेस्ट भी करी और सारी कॉलोनियों के बारे में बताया, लेकिन वो कार्य एक अलग है, चल रहा है कि जल्दी ये कॉलोनियाँ रिलीज हो जाएगी और ये प्रगति करेगा। लेकिन तुरंत भाई गोपाल कांडा जी ने संज्ञान में लेते हुए इन सभी कॉलोनियों में कहा कि पानी और सीवर की व्यवस्था, क्योंकि मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है सिरसा से, ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार को कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, तो सीवर लाइन और वाटर लाइन का काम यहाँ शुरू करवा दिया गया।